नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से 22 तक बिहार में ये ट्रेनें रहेंगी रद्द। सुशांत सिंह मौत मामले में एनसीबी को कोर्ट ने दी ये अनुमति। बिहारी तनुश्री को मिस इंडिया 2023 में मिली जगह। बिहार में बढ़ेंगे ईद के दाम। IPL 2023 का जारी हुआ शेड्यूल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महाशिवरात्रि के मौके पर पटना के घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आज महाशिवरात्रि ऐसे में आज पटना के गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भोलेनाथ की पूजा करने से समस्त कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। बता दें कि आज के दिन श्रद्धालुओं के द्वारा गंगा स्नान करके गंगा जल लेकर भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया जाता है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। आज के दिन को भक्त बड़े ही उत्साह के साथ शिव और गौरी के विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन अपना वैराग्य जीवन छोड़कर भगवान शिव गृहस्थ जीवन में प्रवेश लिए थे। महाशिवरात्रि के ठीक 15 दिनों के बाद ही होली का त्योहार भी मनाया जाता है। आज से 22 तक बिहार में ये ट्रेनें रहेगी रद्द। तारापुर मंडल के क्यूल, लखीसराय और शेखपुरा में चलने वाले नन इंटरलॉकिंग के कार्य की वजह से आज से यानी कि 18 से 22 फरवरी तक बिहार से गुजरने वाली 15 ट्रेनों को पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा रद्द कर दिया गया है, जिसमें से 4 एक्सप्रेस तो बाकी बचे 11 ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है। इसके अलावा 26 ट्रेन ऐसे हैं जिनके रूट को बदल दिया गया है। इस बात की जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क के अधिकारी के द्वारा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें मालदा टाउन पटना ट्रेन, पटना मालदा टाउन ट्रेन, भागलपुर मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर भागलपुर ट्रेन, गया जमालपुर ट्रेन, जमालपुर गया जमालपुर सहरसा स्पेशल, सहरसा जमालपुर स्पेशल, गया जमालपुर झाझा गया ट्रेन, गया झाझा ट्रेन, क्यूल गया पैसेंजर, गया क्यूल ट्रेन, मोकामा क्यूल ट्रेन और क्यूल मोकामा गाड़ी रद्द रहेगी। राज्य में शिक्षक बहाली नियमावली इस दिन कैबिनेट में हो सकती है पेश। बीते दिन बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए एक ऐसी जानकारी दी गई है जिसको जानकर शिक्षक बहाली को लेकर इंतजार में बैठे छात्रों को खूब खुशी मिली। दरअसल प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा कहा गया है कि शिक्षक बहाली के नियमावली पर हस्ताक्षर किया जा चुका है और बहुत जल्द ही नियमावली कैबिनेट में पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग 24 फरवरी को है, तो उस दिन शिक्षक बहाली नियमावली को कैबिनेट में पेश कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 3 जनवरी को प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा यह ट्वीट कर जानकारी दी गई थी कि बहुत जल्द ही 7वें चरण की नियुक्ति होने जा रही है। 1 महीने के अंदर नियोजन नियमावली आ जाएगी। IPS विकास वैभव ने सरकार के नोटिस का दिया जवाब। बिहार के वरिष्ठ IPS अधिकारी विकास वैभव के द्वारा DG शोभा अहोतकर पर लगाए गए आरोप और लगातार विकास वैभव के द्वारा ट्विटर के जरिए DG पर किए जा रहे हमले को देखते हुए गृह विभाग की तरफ से उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें विकास वैभव से सवाल करते हुए पूछा गया था कि उन्होंने जिस तरीके से विभाग की आंतरिक बैठक की फोन रिकॉर्डिंग करने की बात और बैठकों को ब्यौरा सार्वजनिक किया, इसको लेकर क्यों ना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जिसका जवाब अब विकास वैभव के द्वारा दे दिया गया है। हालांकि अब तक यह निकलकर सामने नहीं आया है कि विकास वैभव के द्वारा दिए गए जवाब में उन्होंने क्या लिखा है। सुशांत सिंह मौत मामले में एनसीबी को कोर्ट ने दी ये अनुमति। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में 2 साल बाद मुंबई स्पेशल कोर्ट के द्वारा एनसीबी को यह अनुमति दे दी गई है कि वे अब सुशांत सिंह राजपूत मामले के आरोपियों की आवाज के नमूने को ले सकते हैं। यानी कि अब एनसीबी के द्वारा कथित ड्रग मामले के संबंध में 8 आरोपियों की आवाज के नमूने लिए जा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनसीबी के द्वारा इस मामले को लेकर कुल 30,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें 33 लोगों के नाम शामिल थे। मालूम हो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 साल पहले ही इन 8 आरोपितों को वॉइस सैंपल की जांच करवाने की मांग की गई थी, जिसे अब मुंबई की विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अब बिहार में बढ़ेंगे ईंट के दाम। बहुत जल्द ही बिहार में अब लोगों को घर बनाना भी महंगा पड़ने वाला है। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से अब उन ईंट भट्टों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा जो सरकार को टैक्स नहीं चुकाते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से ईंट भट्टों के मालिकों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है और अगर दिए गए इस समय के अंदर भी टैक्स नहीं चुकाया जाता है तो सरकार की ओर से ईंट भट्टों को बंद करवा दिया जाएगा और साथ ही सारी ईंटों को भी जब्त कर लिया जाएगा, जिसका सीधा असर आम लोगों पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईंट भट्टा के संचालक सारी टैक्स की राशि आम लोगों से वसूलेगी। ऐसे में यह साफ है कि लोगों को घर बनाना महंगा पड़ सकता है।
बिहार की तनुश्री को मिस इंडिया 2023 में मिली जगह। बिहार की तनुश्री ने फेमिना मिस इंडिया 2023 में टॉप 30 कंटेस्टेंट के नामों में अपनी जगह बना ली है, यानी कि अब तनुश्री भी मिस इंडिया 2023 के ताज के लिए मुकाबला करेंगी। बता दी कि इस बात की जानकारी तब मिली जब बीते दिन यानी कि शुक्रवार को फेमिना मिस इंडिया की ओर से टॉप 30 कंटेस्टेंट की सूची जारी की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि तनुश्री का जन्म पटना में हुआ है और उनका पूरा परिवार पटना के दानापुर में रहता है, लेकिन बाद में वो फैशन डिजाइन करने के लिए दिल्ली चली गई और वहीं अपनी मॉडलिंग की शुरुआत कर दी। मालूम हो कि तनुश्री 2015 में मिस बिहार की फर्स्ट रनर अप रह चुकी हैं। इसके अलावा 2017 में उन्होंने मिस इंडिया के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें वो बिहार के टॉप 3 में जगह बना पाई थी। इसके बाद उन्होंने 2020 में एक बार फिर मिस इंडिया के लिए फॉर्म भरा था और उस समय वो टॉप 5 में रही थी। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर इस साल मिस इंडिया के लिए फॉर्म भरा और अब वो टॉप 30 कंटेस्टेंट के नामों में शामिल हो गई हैं। अब किरायेदार से भी पटना नगर निगम वसूलेगी टैक्स। अगर आप भी बिहार की राजधानी पटना में किराए के मकान पर रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब पटना नगर निगम मकान मालिकों की तरह किरायेदारों से भी टैक्स वसूलेगा, जिसे यूजर टैक्स कहते हैं। नगर आयुक्त मिनेश कुमार पराशर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किरायेदारों से यूजर टैक्स वसूलने के लिए 50 टीमें बनाई गई हैं, जो हर दिन एक एक वार्ड के रेवेन्यू असेसमेंट का काम पूरा करेंगे। इस काम की शुरुआत टीम के द्वारा 26 फरवरी से शुरू कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान केवल मकान मालिक को ही यूजर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अब किरायेदारों को भी यह टैक्स चुकाना होगा। बता दें कि यह टैक्स आवासीय क्षेत्र के मकानों के लिए 30 रुपए होगा और वही स्लम के पक्के मकानों के लिए 20 रुपए मासिक रखा गया है। दिव्यांगों के प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष को झेलना पड़ा आक्रोश। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में पिछले 10 दिनों से राज्य के तमाम दिव्यांग लोगों के द्वारा दिव्यांग आयोग और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा गांधी मैदान में उन दिव्यांगों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों से बातचीत करते हुए कहा कि वे उनकी मांगों को लेकर सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की यह मांग बिल्कुल उचित है, इन्हें उचित पेंशन मिलना चाहिए और साथ ही आयोग भी बनाया जाना चाहिए ताकि इन्हें लाभ मिल सके। हम सदन में दिव्यांगों को नौकरी में सहूलियत मिले, इसके लिए भी मांग रखेंगे। हालांकि इस बीच विजय कुमार सिन्हा को दिव्यांगों का आक्रोश भी झेलना पड़ा। दिव्यांगों के द्वारा उनके सामने ही कहा गया कि आपकी सरकार ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया है, ऐसे में आप जो आश्वासन दे रहे हैं उस पर हमें भरोसा नहीं है। पटना एयरपोर्ट से इन शहरों के लिए मिलेंगी सीधे फ्लाइट। पटना एयरपोर्ट के द्वारा एक नया शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके तहत अब पटना एयरपोर्ट से 37 के बजाय 41 जोड़ी फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। बता दें कि इन 41 फ्लाइट की उड़ान भरने से अब पटना एयरपोर्ट से कई शहरों के लिए सीधे फ्लाइट मिल जाएगी, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, अमृतसर, चेन्नई, रांची, लखनऊ, चंडीगढ़ व भुवनेश्वर के नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 41 जोड़ी फ्लाइटों में 24 जोड़ी फ्लाइट इंडिगो के शामिल है, तो वहीं बाकी बचे फ्लाइटों में 6 जोड़ी स्पाइसजेट, 5 जोड़ी गो एयर, 3 जोड़ी एयर इंडिया, 2 जोड़ी विस्तारा और 1 जोड़ी फ्लाई बिग के विमान शामिल हैं। सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश को दी खुली चुनौती। इन दिनों राजद विधायक सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। अब उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें पत्र लिखकर खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने पत्र में खुद को जीरो जानकारी वाला विधायक बताते हुए लिखा कि मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जनता मालिक होती है, इसलिए आप भी आगामी चुनाव में अपने पसंद का कोई क्षेत्र चुन लीजिएगा। जनता इसका उदाहरण के साथ पुष्टि भी कर देगी कि बिहार के लोगों का आपके से भरोसा उठ चुका है और जनता वाकई मालिक है। आगामी बजट सत्र में एक बार फिर से बिहार में कृषि मंडी कानून के लिए निजी विधेयक पेश करूंगा। इस बार अगले दरवाजे से आकर बहस के लिए तैयार रहिएगा। इसके साथ उन्होंने इस पत्र में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी पर भी सवाल उठाया। आनंद मोहन के पैरोल पर उपेंद्र कुशवाहा का सवाल। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल पर जेल से बाहर थे, जिस पर अब उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा सवाल खड़ा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर आनंद मोहन को जेल से पैरोल पर रिहा किया जा सकता है तो फिर अशोक महतो को भी पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर एक तरह की सुविधा एक व्यक्ति को मिल रही है तो फिर दूसरे व्यक्ति को इस तरह की सुविधा क्यों नहीं मिल रही। अगर किसी एक अपराधी को सुविधा दी जा रही है तो यह सुविधा दूसरे अपराधी को भी मिलनी चाहिए। यह बिल्कुल सही नहीं है कि सारी सुविधाएं किसी खास व्यक्ति को ही दी जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अशोक महतो अभी नवादा जेल ब्रेक कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। पीएम मोदी से आमने सामने भिड़ने पर सीएम नीतीश ने कही ये बात। बिहार की राजधानी पटना के एसकेएम हॉल में 16 फरवरी से चल रहे भाकपा माले के राष्ट्रीय महाधिवेशन के अवसर पर आज महाधिवेशन के मंच से फांसीवादी हमले के खिलाफ लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए व्यापक विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में हम सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी बीजेपी का सफाया हो सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने आप को पीएम मोदी के
आमने सामने भिड़ने को लेकर कहा कि नेतृत्व को लेकर मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो केवल बदलाव चाहते हैं, जो सब तय करे वही होगा। IPL 2023 का जारी हुआ शेड्यूल IPL देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि IPL 2023 को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार इस बार कुल 74 मैच खेले जाएंगे। मालूम हो कि इस बार 10 टीमों को ग्रुप में बांटा गया है, जिसे ए और बी दो भागों में बांटा गया है। अगर पहले ग्रुप यानी कि ग्रुप ए की बात करें तो इसमें मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स को शामिल किया गया है। वहीं दूसरे ग्रुप यानी कि ग्रुप बी में चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस को शामिल किया गया है। IPL 2023 की शुरुआत 31 मार्च को होगी, जिसमें चेन्नई और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। बता दें कि ग्रुप की चार टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। 18 मैच डबल हेडर मैच होंगे, एक टीम 14 मैच खेलेगी, सात अपने घर पर, सात विपक्षी टीम के घर पर रहेंगे। 10 टीमों के बीच लीग स्टेज के 70 मुकाबले होंगे, चार मैच प्लेऑफ के होंगे। वहीं IPL 2023 का फाइनल मुकाबला 28 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिनों हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, शंकर मुखिया, मोटो रंगीला, रविशंकर, कुलदीप कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद नौशद राजा, विमल किशोर, कुलदीप कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अर्जुन राम, अंकित, अनवर करीम खान, अंशु प्रिया, भान प्रकाश मौर्य, अहमद। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शिवरात्रि को लेकर आपके क्षेत्र में कितनी चहल पहल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।